हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अशोक कुमार। डियर गाइस, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश मैटर। डियर गाइस, आज हमारा टॉपिक है आल और नन। डियर गाइस, आज हम सीखेंगे आल और नन का एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूजेज। डियर गाइस, जिस तरह आप जानते हैं कि हम आजकल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने ईच के यूजेज, एवरीवन, आइदर, नाइदर और बोथ का यूजेज पढ़ चुके हैं। डियर गाइस, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो हमने एज ए इंडेफिनेट प्रोनाउन भी पढ़े थे। इंडेफिनेट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कोई फर्क नहीं है, जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। लेकिन डियर गाइस, यूजेज और फंक्शन की बुनियाद पे हम इनमें डिफरेंस पैदा करते हैं। इनके यूजेज और फंक्शन की बुनियाद पे हम इनको एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और एज ए इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो डियर गाइस, सेंटेंस में इनके फंक्शन और इनके यूजेज, इनके इस्तेमाल के हिसाब से हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव बनाते हैं। आप जानते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ही काउंटिंग के बुनियाद पे तीन कैटेगरीज बनते हैं। डियर गाइस, इनडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इनमें कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि सिर्फ प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, और कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल होते हैं। तो डियर गाइस, हम इससे पहले ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर और बोथ के यूजेज पढ़ चुके हैं। तो डियर गाइस, उनमें आइदर, नाइदर, ईच और एवरीवन हमारे सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन थे, और डियर गाइस, बोथ जो है वो हमारा प्लूरल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। आज हम पढ़ेंगे आल और नन। तो डियर गाइस, आल और नन हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, और ये ऐसे इनडेफिनेट प्रोनाउंस भी हैं जो कि दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल होते हैं। ये एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल किए जाते हैं। डियर गाइस, जिस तरह आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वही प्रोनाउंस हैं जो कि एज ए इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, मतलब जो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। जब इनडेफिनेट प्रोनाउंस एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने का काम आते हैं, तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। डियर गाइस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू डिवाइड आर डिस्ट्रीब्यूट। डियर गाइस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने, तकसीम करने या बांटने के काम आते हैं। डियर गाइस, आप जानते हैं वो प्रोनाउंस हैं जो कि किसी पर्सन या किसी थिंग, मतलब किसी शख्स या किसी चीज़ को वन एट ए टाइम रिफर करते हैं। वन एट ए टाइम से मुराद ये है कि एक ही वक्त में एक की बात हो, मतलब एक ही वक्त में उन प्रोनाउंस के किसी एक हिस्से की बात हो। आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन का वीडियो ज़रूर देखा होगा। अगर आपने वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। डियर गाइस, आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आल और नन। तो आप जानते हैं ईच जो हमारा सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, एवरीवन हमारा सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था, आइदर और नाइदर वो भी दोनों एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहे थे। आइदर का इस्तेमाल हम दो में से एक और नाइदर का इस्तेमाल दो में से जीरो दिखाने के लिए करते हैं। आपने बोथ का यूजेज भी सीखा होगा, बोथ का इस्तेमाल हम दो में से दो दिखाने के लिए करते हैं। जब किसी भी चीज़ की या किसी भी पर्सन की क्वांटिटी दो हो, दो की तादाद में हो और उन दोनों की बात हो रही हो, तो हम वहाँ पे बोथ का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर गाइस, आपने बोथ के यूजेज का वीडियो ज़रूर देखा होगा। चलें शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, यूजेज ऑफ आल एंड नन एज सिंगुलर एंड प्लूरल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डियर गाइस, आल और नन का आज हम यूजेज पढ़ेंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डियर गाइस, आल और नन को हम पहले इनडेफिनेट प्रोनाउन के यूजेज में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे ये एज ए इनडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहे थे, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे इनका एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल। तो डियर गाइस, ये सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। आल, डियर गाइस, जिस तरह आपको पता है आल का मतलब है सब या सारा, सब या सारा या सभी। जिस तरह आपने आइदर का यूजेज दो में से एक दिखाने के लिए किया था, नाइदर का यूजेज दो में से जीरो दिखाने के लिए किया था, मतलब दो में से कोई भी नहीं, और बोथ का इस्तेमाल दो में से दो दिखाने के लिए इस्तेमाल किया था, मतलब दो लोगों में से
दोनों की बात हो तो हम बहुत का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डियर गाइस आल जो है ये सभी में से सभी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। आल का इस्तेमाल हम ज्यादा में से ज्यादा चीजें दिखाने के लिए करते हैं। ज्यादा में से ज्यादा से मुराद ये है कि मोर देन टू, थ्री हो सकती है, थ्री फोर फाइव सिक्स, मतलब मोर देन टू होंगी, दो से ज्यादा होंगे वो शख्स या वो चीजें जो दो से ज्यादा क्वांटिटी में होंगी या दो से ज्यादा तादाद में होंगी तो हम उनके लिए आल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ज्यादा में से ज्यादा दिखाने के लिए हम आल का इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा से मुराद है दो से ज्यादा। आल यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल। डेगेज आल का इस्तेमाल हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में करते हैं, काउंटेबल्स अनकाउंटेबल। डेगेज आल का इस्तेमाल जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ भी होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। आल यूज्ड टू शो मैनी आउट ऑफ मैनी। आल जो है वो मैनी आउट ऑफ मैनी, मतलब ज्यादा में से ज्यादा चीजें दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। मैनी मीन्स मोर देन टू। मैनी से मुराद ये है कि दो से ज्यादा। जब हम आल का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो इसके जो वर्ब्स होंगे वो जब ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होगा तो इसका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, और जब ये काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होगा, काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो डेगेज आप समझ पा रहे हैं हम आल का जो इस्तेमाल है वो ज्यादा में से ज्यादा दिखाने के लिए करते हैं। ज्यादा से मुराद है दो से ज्यादा हो, मोर देन टू हो। और डेगेज आल का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिने जा सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, जिनको एक दो तीन चार करके हम गिन नहीं सकते हैं, तो वो बन जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। चले गए हम शुरू करते हैं आल के एग्जांपल्स, और यहाँ पे हम आल का एज ए इंडेफिनेट प्रोनाउन यूजेज भी देखेंगे और एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन यूजेज भी देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है आल ऑफ अस आर लर्निंग इंग्लिश। All of us are learning English. देखा जिस तरह आप जानते हैं distributed pronouns में हम पहले जो हमारा indefinite pronoun होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद of का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपने पिछले वीडियोज में देखा होगा each के वीडियो में, every के वीडियो में, either और neither के वीडियो में और both के वीडियो में, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं जो हमारा indefinite pronoun है indefinite pronoun के बाद हम of का इस्तेमाल करते हैं, और of के बाद जो आफ जो हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट टू केस में इस्तेमाल होते हैं। आफ के बाद जो हमारा पार्ट है या आफ के बाद जो प्रोनाउंस या नाउन इस्तेमाल होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं। आफ के बाद हम कोई भी प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन इस्तेमाल करके हम इन इनडेफिनेट प्रोनाउंस को एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन बनाते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है ऑल ऑफ अस आर लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आल जो हमारा, अगर हम आफ अस को अगर हम रिमूव कर दें, यहाँ पे आफ अस को हम रिमूव कर दें तो हमारा सेंटेंस बनेगा आल आर लर्निंग इंग्लिश। आल आर लर्निंग इंग्लिश, सभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं या सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जब आफ और अस को हम यहाँ पे ये आफ हमारा जो प्रीपोजिशन है इसको और आफ के बाद जो ये ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है हमारा इसको अगर हम रिमूव कर दें तो आल बन जाएगा हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन। देखिए सर आप जानते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउंस हैं जो किसी खास चीज या किसी खास शख्स के बारे में नहीं बताते हैं, ये इन जनरल इन कॉमन सभी के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं और कलेक्टिवली इस्तेमाल होते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस में हमें किसी खास पर्सन या किसी खास चीज के बारे में पता नहीं चलता है। और देखिए अगर हम आल के साथ आफ लगा दें, प्रीपोजिशन आफ लगा दें और उसके साथ कोई भी प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन या कोई अनकाउंटेबल नाउन हम लगा दें तो वो बन जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस। यहाँ पे हम सीख रहे हैं आल का एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन इस्तेमाल। आल ऑफ अस आर लर्निंग इंग्लिश, हम में से सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, हम में से सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं या हम सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं, इस तरह भी इसकी हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हम में से सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं या हम सभी अंग्रेजी सीख रहे हैं। आल जो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि सेंटेंस के शुरू में आ रहा है और ये जो वर्ब है वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब से जो पहले इस्तेमाल होते हैं वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। तो डियर आल यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट है और आफ के बाद जो ये अस है ये हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, यहाँ पे आफ के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकता है
आर की यूसेज में ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। तो डेज यहाँ ऑफ के बाद जो हमारा पार्ट होता है ये एज ऑब्जेक्ट होता है। तो डेज आप जानते हैं हम जो वर्ब्स सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करते हैं। यहाँ पे आल ऑफ अस आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पे हमने आर का इस्तेमाल एज ए प्लूरल किया है और उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमने प्लूरल लिया है। देखिए जितना आप जानते हैं जो सब्जेक्ट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होता है। आगे देखते हैं ऑल ऑफ द वाटर इज डर्टी। देखिए जिस तरह मैंने पहले शुरू में बताया आल का यूजेज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में करते हैं, मतलब आल का इस्तेमाल जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा तो वहाँ पे आल का इस्तेमाल एज ए सिंगुलर होगा, वहाँ पे आल एज ए सिंगुलर फंक्शन कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखें ये जो वाटर ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर जो पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, एक दो तीन चार करके हम गिन नहीं सकते हैं, तो वाटर बन जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए जब हमने आल का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे आल एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होगा। और देखिए सेंटेंस देखते हैं आल ऑफ द वाटर इज डर्टी, मतलब सारा पानी गंदा है। आल ऑफ द वाटर इज डर्टी मतलब सारा पानी गंदा है। आप देख रहे हैं ऑफ के बाद जो द वाटर हमने लगाया ये हमारा यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो आल और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब आया है वो इज सिंगुलर वर्ब है क्योंकि यहाँ पे आल एज सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। आल ऑफ द वाटर इज डर्टी सारा पानी गंदा है। I helped all of my friends. मैंने मेरे दोस्तों में से सभी की मदद की। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो मेन वर्ब है वो है helped, help, ये हमारा मेन वर्ब है और वर्ब के बाद यहाँ पे आल इस्तेमाल हो रहा है। तो जो वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं नाउन या प्रोनाउन वो एज ए ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आल का इस्तेमाल हम एज ए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर दो सेंटेंस में हमने आल का इस्तेमाल एज ए सब्जेक्ट किया था, पहले सेंटेंस में आल एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है और दूसरे सेंटेंस में आल एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और तीसरे सेंटेंस में जो आल है ये मेन वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वर्ब के बाद जो इस्तेमाल होते हैं नाउन्स या प्रोनाउन्स वो ऑब्जेक्ट केस में होते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आल बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। आई हेल्प्ड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने मेरे दोस्तों में से सभी की मदद की या मैंने मेरे सभी दोस्तों की मदद की, इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं आल जो है हमारा एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। आल जो है ये यहाँ पे फ्रेंड्स माय फ्रेंड्स ऑफ के बाद यहाँ पे अगर हमारा काउंटेबल नाउन आएगा तो ये आल हमारा यहाँ पे एज ए प्लूरल फंक्शन करेगा। अगर ऑफ के बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो आल एज ए सिंगुलर फंक्शन करेगा, और अगर ऑफ के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है माय फ्रेंड्स ये अगर काउंटेबल होगा तो आल हमारा यहाँ पे एज ए प्लूरल फंक्शन करेगा। तो इस सेंटेंस में आल एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि ऑफ के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट आ रहा है माय फ्रेंड्स ये हमारा काउंटेबल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आल ऑफ द राइस इज स्टेल। आल ऑफ द राइस इज स्टेल मतलब सारे चावल बासी हैं, हमारा खाना वगैरह कुछ देर रखने के बाद वो पुराना बन जाता है तो उसको हम बासी कहते हैं। तो देखें ऑल ऑफ द राइस इज स्टिल, स्टिल का मतलब बासी या पुराना, तो मतलब सारे चावल जो है वो बासी हैं, इस तरह हम कह सकते हैं सारे चावल जो है वो बासी हैं। राइस जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखें जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया अगर ऑफ के बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो आल का इस्तेमाल एज ए सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे ऑफ के बाद जो राइस है ये अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो यहाँ पे जो आल का इस्तेमाल होगा वो एज ए सिंगुलर होगा, और यहाँ पे आल एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह आपने डियर गाइज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस के शुरू से जो वीडियोज हम बना रहे हैं ईच के यूजेज में, एवरी के यूजेज में, आइदर के यूजेज में, नाइदर के यूजेज में, उसके बाद जो बोथ के यूजेज पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा ये जो हमारा पूरा क्लास हम इस्तेमाल कर रहे हैं आल ऑफ अस ये पूरा क्लास है, आल ऑफ द वाटर पूरा क्लास है, आल ऑफ माय फ्रेंड्स पूरा क्लास है, आल ऑफ द राइस ये पूरा क्लास है, आल ऑफ लर्निंग ये पूरा क्लास है, आल ऑफ द बॉयज ये पूरा क्लास है, आल ऑफ योर स्टूडेंट्स ये पूरा क्लास है। यहाँ पे देखेंगे नन ऑफ देम ये पूरा क्लास बन जाता है, नन ऑफ हिज पोएम्स ये पूरा क्लास बन जाता है,
नन ऑफ हिज पोएम्स ये पूरा क्लास बन जाता है, नन ऑफ माई बुक्स ये पूरा क्लास बन जाता है, नन ऑफ हिज इंफॉर्मेशन ये भी पूरा क्लास बन जाता है। तो ठीक है, इस तरह आप देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस में ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट पार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे पहले जो प्रोनाउन होता है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करके और फिर ऑब्जेक्ट पार्ट्स नाउन्स या प्रोनाउन्स इस्तेमाल करते हैं तो वो बन जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। और ठीक है, ये जो पूरा हमारा क्लास बन जाता है, ये क्लास पूरा ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ द वाटर, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द राइस, ऑल ऑफ द लर्निंग, ऑल ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स, ये जो पूरा क्लास है ये यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है क्योंकि ये वर्ब से पहले आ रहा है, पूरा क्लास वर्ब से पहले आ रहा है तो यहाँ पे ये एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। लेकिन देखिए, अगर हम ऑल ऑफ अस, ऑल, ये जो इंडेफिनेट प्रोनाउन है हमारा, ये ऑफ और ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो या ऑब्जेक्टिव नाउन हो या कोई काउंटेबल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, अगर इनको हम अलग अलग करके देखें तो आप देख पा रहे हैं ऑफ जो हमारे ये प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के जो बाद इस्तेमाल होंगे ये नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे काउंटेबल नाउन हो, ये एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा। तो देखिए, ऑफ प्रीपोजिशन बन जाएगा, ऑफ के बाद जो आने वाला पार्ट है ये एज ऑब्जेक्ट फंक्शन करेगा और जो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है वो यहाँ पे जो शुरू वाला जो हमारा प्रोनाउन होगा वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है और जो हमारा वर्ब हम ले रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेने होते हैं हमें। तो हम यहाँ पे जब एज ए प्लूरल इस्तेमाल होगा तो हम उसका वर्ब प्लूरल लेंगे और जब आल एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होगा मतलब फॉर अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल होगा तो हम उसका जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल ऑफ लर्निंग इज यूजफुल, ऑल ऑफ द लर्निंग इज यूजफुल मतलब सारा इल्म फायदेमंद है या कारामंद है या फायदे वाला है, यूजफुल मतलब फायदे वाला, कारामंद, फायदेमंद। ऑल ऑफ द लर्निंग, लर्निंग से मुराद यहाँ पे इल्म, जो हमने लर्निंग हासिल की, जो हमने तैलीम हासिल की है। ऑल ऑफ द लर्निंग इज यूजफुल, ऑल ऑफ लर्निंग ये पूरा जो क्लास हमारा एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है, यहाँ पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे ऑल बन गया एज ए सिंगुलर, ऑल ऑफ लर्निंग इज यूजफुल, तो इसलिए हमने इसका जो वर्ब लिया वो भी सिंगुलर लिया। यहाँ पे लर्निंग अनकाउंटेबल है, राइस अनकाउंटेबल था, वाटर अनकाउंटेबल था। ऑल ऑफ द बॉयज वर ड्राउंड, लड़कों में से सभी डूब गए थे, लड़कों में से सभी डूब गए थे। तो देखिए, ड्राउंड का मतलब डूब जाना। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑल ऑफ द बॉयज ये पूरा क्लास हमारा एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है और जिस तरह अभी मैंने बताया ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, ऑफ के बाद अगर द बॉयज हम देखें तो ये बॉयज जो है ये हमारा प्लूरल नाउन है और काउंटेबल नाउन है और ऑफ के प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल हो रहा है तो द बॉयज हमारा बन जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट और फिर हम अलग आर को देखेंगे तो आर यहाँ पे बन जाएगा हमारा एज ए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पे इसका वर्ब ले रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया प्लूरल वर्ब क्योंकि यहाँ पे आर जो है ये काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जब ये काउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होगा, काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होगा तो एज ए प्लूरल इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे आल एज ए प्लूरल है और इसका जो वर्ब जो हम लेंगे वो भी प्लूरल लेंगे। ऑल ऑफ द बॉयज वर ड्राउंड, लड़कों में से सभी लड़के डूब गए थे या सभी लड़के डूब गए थे, इस तरह भी हम कह सकते हैं, लड़कों में से सभी लड़के डूब गए थे या लड़कों में से सभी डूब गए थे या सभी लड़के डूब गए थे। ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट इंग्लिश, ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट इंग्लिश, आपके शागिर्दों में से सभी को अंग्रेजी सिखाई जा चुकी है मतलब आपके सभी शागिर्दों को अंग्रेजी सिखाई जा चुकी है। ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स ये हमारा पूरा क्लास है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इसके बाद हमने वर्ब का इस्तेमाल किया है, वर्ब से पहले जो इस्तेमाल कर होते हैं वो हमारे एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करते हैं तो ये जो पूरा क्लास है हमारा एज ए सब्जेक्ट बन रहा है। अगर हम इस पूरे क्लास के अंदर हम देखें तो ऑफ जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद यूअर स्टूडेंट्स जो है ये हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सिर्फ आल ही बच जाता है जो कि एज ए सब्जेक्ट रहता है तो आल बन जाता है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे आल एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफ के बाद जो हमारा काउंटेबल नाउन आ रहा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आल जो है एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हमने आल का यहाँ पे जो हैव लिया है, हैव ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिया है। तो डियर गाइस, आपने देखा यहाँ पे आल एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा था
और एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा था। तो देखिए आप जानते हैं नाउन और प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं हम ले रहे, हम कह रहे हैं आल, तो आल हम उस जो पर्सन्स की जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका कोई नाम हो सकता है, तो उन नाउन की जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं आल, तो आल बन जाता है हमारा प्रोनाउन। और ठीक है यहाँ पे आप देख रहे हैं आल जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, जिस तरह पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ आफ के बाद जो ये हमारे प्लूरल प्रोनाउन होते हैं या प्लूरल नाउन होते हैं, ये यहाँ पे कुछ अनकाउंटेबल नाउन आ रहे हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इनके हिस्से बना रहे हैं, वन एट ए टाइम इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आल जो है एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन फंक्शन कर रहा है। जिस तरह मैंने शुरू में बताया अगर हम आफ और उसके बाद जो आने वाले जो पार्ट है, आफ के बाद जो आने वाला पार्ट है वर्ब से पहले, आफ के बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो, अनकाउंटेबल हो चाहे काउंटेबल हो, वो अगर उसको हम रिमूव करेंगे तो आल हमारा फंक्शन करेगा एज ए इनडेफिनिट। अगर हम आफ अस को हम रिमूव करें तो आल हमारा यहाँ पे एज ए इनडेफिनिट प्रोनाउन फंक्शन करेगा। आल आर लर्निंग इंग्लिश, सभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। सभी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउंस जो हम पढ़ चुके हैं या जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, उन सभी में अगर आफ और आफ के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट होगा, कोई प्रोनाउन होगा या नाउन होगा, उसको अगर हम आफ और ऑब्जेक्ट पार्ट को अगर हम रिमूव करेंगे तो जो हमारा प्रोनाउन बचेगा वो बचेगा इनडेफिनाइट। तो वहाँ पे एज वो इनडेफिनाइट फंक्शन कर रहा होगा। अगर हम उसी इनडेफिनाइट प्रोनाउन के साथ हम आफ को लगा दें और आफ के साथ हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या ऑब्जेक्ट नाउन लगा देंगे तो वह बन जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा आल जो है ये एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल हो रहा है और एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल हो रहा है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है तो एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होता है, और जब ये काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है तो एज ए प्लूरल इस्तेमाल होता है। और डियर गाइस जिस तरह पहले मैंने बताया आल का इस्तेमाल हम ज़्यादा में से ज़्यादा दिखाने के लिए करते हैं। अगर 100 चीज़ें तो 100 में से उन्हीं 100 चीज़ों के बारे में बात होगी तो हम आल का इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह हमने बहुत का इस्तेमाल किया था, दो चीज़ें या दो लोगों के लिए हमने बहुत का इस्तेमाल, मतलब दो में से दो ही दिखाने के लिए हमने बहुत का इस्तेमाल किया था, इसी तरह आल जो है ये सभी में से सभी दिखाने के लिए इस्तेमाल होगा। मतलब मैनी आउट ऑफ मैनी, ज़्यादा में से ज़्यादा, मतलब 100 में से 100, 50 में से 50, 60 में से 60, 30 में से 30, 20 में से 20, 10 में से 10, इस तरह। मैनी से मुराद है मोर देन टू, मतलब दो से ज़्यादा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आफ के बाद जो अस आ रहा है जिसको हम ऑब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं, ये सभी, अगर ये यहाँ पे 50 बंदे हैं, 50 लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे आल भी 50 है, 50 आउट ऑफ 50। अगर यहाँ पे पानी जो है, पानी की जो मिकदार, जितनी हम यहाँ पे पानी की मिकदार दिखाने की कोशिश करेंगे उसी मिकदार के लिए, उसी पानी की मिकदार के लिए हम यहाँ पे आल का इस्तेमाल करेंगे। आल ऑफ माई फ्रेंड्स, अगर हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे 10 हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, तो आल से भी मुराद ये 10, 10 में से 10। अगर यहाँ पे जिस तरह पानी का मैंने बताया आपने, जिस तरह राइस जो है, अगर हम यहाँ पे जो राइस चावल है ये हमारे यहाँ पे 10 kg हैं, 10 kg यहाँ पे राइस चावल जो है ये 10 kg है, तो उन्हीं सभी 10 kg के लिए हम आल का इस्तेमाल करें, मतलब 10 kg आउट ऑफ 10 kg। आल ऑफ द बॉयज, यहाँ पे बॉयज मतलब अगर बॉयज आप यहाँ पे ले रहे हैं 40, तो उन्हीं 40 बॉयज की बात हो रही है, मतलब बॉयज अगर हमारे 40 हैं तो आल का मतलब 40 है। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सभी डूब गए हैं, मतलब 40 में से 40 डूब गए हैं। आल ऑफ योर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स 50 हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की यहाँ पे 50 सपोज करेंगे तो मतलब उन्हीं 50 स्टूडेंट्स की बात होगी, 50 में से 50 ने इंग्लिश सीखी है। तो देखिए यहाँ पे आप समझ गए आल का जो इस्तेमाल है वो सभी में से सभी दिखाने के लिए किया जा रहा है, ज़्यादा में से ज़्यादा, मैनी आउट ऑफ मैनी। अब आगे देखते हैं नन। देखिए आज हमने नन और आल को एक साथ इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये एज ए सिंगुलर भी इस्तेमाल होते हैं और एज ए प्लूरल भी इस्तेमाल होते हैं, ये दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल होते हैं। देखिए आल का मतलब था सब में से सब, नन का मतलब है कोई भी नहीं, नन से मतलब है नॉट वन, नॉट वन से मतलब एक भी नहीं। देखते हैं नन के बारे में जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने लिखी हुई हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो एग्जाम्पल से हम अपना जो नन का एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोनाउन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
नन मीन्स नॉट वन, नन का मतलब है नॉट वन, मतलब एक ना हो, वन ना हो। इट इज इक्वल टू जीरो एंड मोर देन टू, अगर ये वन नहीं है तो फिर क्या है। नन से मुराद है नॉट वन, मतलब ये वन नहीं है फिर क्या है, फिर ये तो जीरो होगा, या वन तो नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या मोर देन टू होगा। टू की अगर हम बात करते हैं तो बन जाता है बोथ का यूजेज। यहाँ पे हम नन का इस्तेमाल और आल का इस्तेमाल मैनी के लिए कर रहे हैं, मतलब दो से ज़्यादा, मतलब तीन से शुरू होता है। यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है वो तीन से शुरू होती है आल और नन में। अगर हम दो की बात करते हैं तो वहाँ पे बोथ का यूजेज बन जाता है। दो से ज़्यादा के लिए अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे नन और आल का इस्तेमाल करेंगे। आल का इस्तेमाल सभी में से सभी दिखाने के लिए करते हैं, और जो नन का इस्तेमाल है वो सभी में से जीरो दिखाने के लिए करते हैं। इसका जो नन की मीनिंग है वो नन से मुराद ये कि नॉट वन, मतलब एक नहीं है, तो एक नहीं है तो ये जीरो होगा, मतलब कोई भी नहीं होगा। एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से ज़्यादा दो तो हम नहीं ले सकते क्योंकि दो का इस्तेमाल बन जाता है बोथ, और दो हम नहीं ले सकते हैं तो दो से ज़्यादा लेंगे, मतलब तीन ले सकते हैं, तीन चार पाँच छः, मतलब तीन से हम शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो नन है वो वन नहीं है, या तो जीरो है या तीन और तीन से ज़्यादा है। तो लेकिन आगे देखते हैं, सो यूज्ड एज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ, इसलिए इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये जीरो के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी के लिए भी नहीं। जीरो अमाउंट दिखाने के लिए, जीरो क्वांटिटी दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, दो से ज़्यादा होंगे वो उनको भी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए इसलिए ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं, इट शोज नेगेटिव सेंस। नन का जो इस्तेमाल है ये, इसके जो सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव होते हैं, सेंटेंस पॉजिटिव बनते हैं, लेकिन जो सेंटेंस का जो सेंस होता है वो नेगेटिव होता है। इसमें नॉट या नो लगाकर हम नेगेटिव नहीं बनाते, ये खुद ही नेगेटिव होते हैं। इट शोज जीरो आउट ऑफ मैनी, नन का मतलब है जीरो आउट ऑफ मैनी, मतलब ज़्यादा में से जीरो, ज़्यादा में से कोई भी नहीं। ज़्यादा से मुराद है तीन या तीन से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, ज़्यादा से मुराद है दो से ज़्यादा, मतलब तीन हो सकता है, थ्री हो सकता है, थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन। अब हम नन के इस्तेमाल देखते हैं यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसका यहाँ पे एज ए इनडिफिनिट प्रोनाउन यूजेज भी हम देखेंगे। देखिए जिस तरह मैंने यहाँ पे आल में बताया था, अगर हम ऑफ जो हमारा प्रीपोजिशन है उसको, और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है हमारा, प्लूरल नाउन हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, या काउंटेबल नाउन हो, या अनकाउंटेबल नाउन हो, ऑफ के बाद अगर ऑफ को और उस ऑब्जेक्टिव पार्ट अगर हम रिमूव कर देंगे तो जो हमारे प्रोनाउंस बचते हैं, तो जो हमारे जो प्रोनाउंस रह जाते हैं वो एज इनडेफिनेट रह जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे ऑफ और देम को हम रिमूव करें तो नन आर टेकिंग एग्जाम्स, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा नन आर टेकिंग एग्जाम्स, मतलब कोई भी इम्तिहान नहीं दे रहा है, कोई भी एग्जाम नहीं दे रहा है, कोई भी इम्तिहान नहीं दे रहा है, या कोई भी इम्तिहान नहीं दे रहे हैं। नन से मुराद हम प्लूरल भी ले सकते हैं, नन से मुराद हम सिंगुलर भी ले सकते हैं। अगर हम ऑफ और ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको अगर हम रिमूव कर दें, यहाँ पे लेफ्ट आउट कर दें, निकाल दें, तो बन जाता है हमारे यहाँ पे इनडेफिनेट प्रोनाउन। किसी शख्स या किसी चीज़ की बात हो रही है तो कोई शख्स या चीज़ क्या होता है, वो नाउन होता है, वो नाउन के लिए हमने इस्तेमाल किया नन, तो नन बन जाता है हमारा प्रोनाउन। यहाँ पे किसी खास चीज़ या किसी खास पर्सन के बारे में नहीं बताया जा रहा है तो नन बन जाता है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। अगर हम नन के साथ, मतलब जो इनडिफिनेट प्रोनाउंस हैं उसके साथ ऑफ लगा दें और ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस या ऑब्जेक्टिव नाउंस लगा दें तो वो बन जाते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब देखते हैं हम नन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, नन ऑफ देम आर टेकिंग एग्जाम्स, उनमें से कोई भी नहीं इम्तिहान दे रहा है, या उनमें से कोई भी नहीं इम्तिहान दे रहे हैं। अगर यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे आर की जगह पर, नन ऑफ देम इज टेकिंग एग्जाम्स, उनमें से कोई भी इम्तिहान नहीं दे रहा है। अगर हम यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करें, तो नन हमारा फंक्शन करेगा एज ए प्लूरल, नन ऑफ देम आर टेकिंग एग्जाम्स, उनमें से कोई भी इम्तिहान नहीं दे रहे हैं। आगे देखते हैं, नन ऑफ हिज पॉइंट्स आर वेल नोन, नन ऑफ हिज पॉइंट्स आर वेल नोन। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं नन के बाद हमने ऑफ का इस्तेमाल किया है, और ऑफ के बाद हमने यहाँ पे काउंटेबल और पॉइंट्स, मतलब प्लूरल प्लूरल नाउन हमने लिया है। तो देखिए ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है ये प्लूरल, हमेशा प्लूरल ही होता है। तो नन ऑफ हिज पॉइंट्स, मगर उनकी नज़मों में से कोई भी मशहूर नहीं है।
अगर हम यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे तो नन फंक्शन करेगा एज ए सिंगुलर, अगर यहाँ पे हम आर का इस्तेमाल किया है तो हमने यहाँ पे नन का एज ए प्लूरल इस्तेमाल दिखाने के लिए किया है। नन ऑफ हिज पोएम्स आर वर्ल्ड नन, मतलब उसकी नज़मों में से कोई भी नज़म मशहूर नहीं है, कोई भी नज़म मशहूर मतलब जो सारी नज़में उसकी हैं उनमें से कोई भी मशहूर नहीं है। और यहाँ पे देम से मुराद या पोएम से मुराद, या यहाँ पे भी पोएम्स हैं, यहाँ पे माई बुक्स है इससे मुराद, या इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे अनकाउंटेबल है, और दोज 12 बॉयज से मुराद ये है कि ये जो मैनी है, मैनी का मतलब है मोर देन टू है, या थ्री होगा या थ्री से ज़्यादा होगा, मतलब मोर देन टू होगा। आगे देखते हैं, आई लाइक नन ऑफ हिज पोएम्स, आई लाइक नन ऑफ हिज पोएम्स, मैं उसकी नज़मों में से किसी को भी पसंद नहीं करता, मैं उसकी नज़मों में से किसी को भी पसंद नहीं करता। तो ठीक है, यहाँ पे जो नन का इस्तेमाल एज ए सिंगुलर हो रहा है, और यहाँ पे जो ऑफ के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा या ऑब्जेक्ट नाउन होगा वो हमेशा मैनी होगा, मैनी से मुराद है दो से ज़्यादा होगा। नन ऑफ माई बुक्स इज टॉर्न, नन ऑफ माई बुक्स इज टॉर्न, मेरे किताबों में से कोई भी टूटा हुआ नहीं है, मतलब मेरे किताबों में से कोई भी किताब टूटा हुआ नहीं है। तो अगर यहाँ पे इज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि नन यहाँ पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहा है। अगर यहाँ पे हम आर का इस्तेमाल करते, नन ऑफ माई बुक्स आर टॉर्न, मेरे किताबों में से कोई भी किताब टूटे हुए नहीं है, तो यहाँ पे हम हमारे मध्यस्थ अंग में हैं का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे नन जो है वो एज ए प्लूरल फंक्शन करेगा, और यहाँ पे आर का हम या यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, मतलब या आर लगाएंगे या वर लगाएंगे या हैव लगाएंगे, इस तरह जो प्लूरल वर्ब्स होते हैं वो लगाएंगे। नन ऑफ हिज इंफॉर्मेशन इज ट्रू, नन ऑफ हिज इंफॉर्मेशन इज ट्रू, उसकी मालूमात में से कोई भी सच्ची नहीं है, उसकी मालूमात में से कोई भी सच्ची नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑफ के बाद जो हमारे ये ऑब्जेक्ट नाउन आ रहा है ये अनकाउंटेबल आ रहा है, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए यहाँ पे जब हम अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल करते हैं तो नन का इस्तेमाल एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होता है, जिस तरह आल का जो इस्तेमाल मैंने बताया, जब आल अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा तो आल का इस्तेमाल एज ए सिंगुलर होगा, इसी तरह नन का भी इस्तेमाल हम जब अनकाउंटेबल नाउन के लिए करेंगे तो वो एज ए सिंगुलर फंक्शन करेगा, और उसका जो हम वर्ब लेंगे वो भी सिंगुलर लेंगे। अब देखिए नन ऑफ हिज इंफॉर्मेशन इज ट्रू, उसकी मालूमात में से कोई भी मालूमात सच्ची नहीं है। नन ऑफ दोज 12 बॉयज वाज प्रेजेंट, नन ऑफ दोज 12 बॉयज वर प्रेजेंट, मतलब उन 12 लड़कों में से कोई भी लड़का हाजिर नहीं था, उन 12 लड़कों में से कोई भी हाजिर नहीं था। आपके बाद जो हमारा दोज 12 बॉयज, ये जो ऑब्जेक्ट पार्ट इस्तेमाल हो रहा है ये प्लूरल फॉर्म ही है और यहाँ पे काउंटेबल नाउन है, तो जब ये काउंटेबल नाउन हो रहा है, जब यहाँ पे काउंटेबल नाउन आ रहा है, बॉयज काउंटेबल नाउन आ रहा है, तो नन का इस्तेमाल यहाँ पे हम सिंगुलर भी ले सकते हैं प्लूरल भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वर का इस्तेमाल करते तो ये बन जाता नन हमारा प्लूरल, यहाँ पे हमने वाज का इस्तेमाल किया तो ये बन गया हमारा सिंगुलर। नन ऑफ दोज 12 बॉयज वाज प्रेजेंट, मतलब उन 12 लड़कों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं था, मौजूद नहीं था, हाजिर नहीं था। नन ऑफ द कार्स इज न्यू, नन ऑफ द कार्स इज न्यू, कारों में से कोई भी कार न्यू नहीं है, कारों में से कोई भी कार नई नहीं है। तो यहाँ पे हम अगर हम लिखते हैं नन ऑफ द कार्स आर न्यू, नन ऑफ द कार्स आर न्यू, यहाँ पे अगर आर का इस्तेमाल करते तो नन एज ए प्लूरल इस्तेमाल होता और एज ए प्लूरल फंक्शन कर रहा होता। शी नोज नन ऑफ द गर्ल्स, शी नोज नन ऑफ द गर्ल्स, वो इन लड़कियों में से किसी को भी नहीं जानती है, वो इन लड़कों में से किसी को भी नहीं जानती है। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आफ के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट नाउन इस्तेमाल हो रहा है ये काउंटेबल है और प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हम नन का जो इस्तेमाल है वो एज ए प्लूरल ले सकते हैं। शी नोज नन ऑफ द गर्ल्स, वो इन लड़कियों में से किसी को भी नहीं जानती है। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा नन जो है ये नन ऑफ देम, नन ऑफ हिज पोएम्स, नन ऑफ हिज पोएम्स, नन ऑफ माई बुक्स, नन ऑफ हिज इंफॉर्मेशन, नन ऑफ दोज 12 बॉयज, नन ऑफ द कार्स, नन ऑफ द गर्ल्स, ये जो पूरा जो हमारा क्लास है यहाँ पे, ये जो पूरा क्लास है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे आप देखें नन ऑफ देम, नन ऑफ हिज पोएम्स,
ये इन दो सेंटेंसेस में ये क्लास एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे जो वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है नन ऑफ इज पॉइंट्स, ये जो पूरा क्लास है वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, और नन ऑफ माई बुक्स ये वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो ये जो पूरा क्लास हमारा एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। नन ऑफ इज इंफॉर्मेशन ये भी इस वर्ब से पहले इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। नन ऑफ दोज 12 बॉयज, नन ऑफ दोज 12 बॉयज, ये जो पूरा हमारा क्लास है ये भी यहाँ पे वर्ब से पहले आ रहा है, तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और नन ऑफ द कार्स ये भी यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल है, क्योंकि इस जो हमारा वर्ब है उस वर्ब से पहले आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नन ऑफ द गर्ल्स ये वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। और डेगज आप देख रहे हैं अगर यहाँ पे हम ऑफ और देम को रिमूव करें, मतलब ये जो हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट आ रहे हैं, अगर डेगज अगर इस पूरे क्लास के अंदर जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को अगर हम अलग अलग देखें, तो ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, और ऑफ के बाद जो देम है हिज पॉइंट्स, हिज पॉइंट्स, माय बुक्स, हिज इंफॉर्मेशन, दोज 12 बॉयज, द कार्स, ये जो ऑफ के बाद इस्तेमाल हो रहे हैं ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो इस्तेमाल होते हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट होते हैं, और फिर रह जाता है हमारा सिर्फ नन, तो नन बन जाता है यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट या एज ए ऑब्जेक्ट। तो डेगज आप जानते हैं हम जो प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं वो या तो एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं या एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। और डेगज नन के इस्तेमाल में या आल के इस्तेमाल में जो हमने ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट पार्ट हमने इस्तेमाल किया है ये मैनी होगा, मैनी मतलब मोर देन टू होगा, मोर देन टू, इसकी जो क्वांटिटी यहाँ पे होगी वो मोर देन टू होगी। जिस तरह हमने बहुत की यूजेज़ देखा था ऑफ के बाद जो भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन आ रहा था वो टू दो की फिगर दिखा रहा था, मतलब दो की तदाद दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्ट पार्ट हमारा जो भी आ रहा है ये या तो अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा तो यहाँ पे आल और नन एज ए सिंगुलर इस्तेमाल होंगे, और अगर वो काउंटेबल होगा तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा और वो एज ए मैनी होगा, मैनी मतलब मोर देन टू होगा, दो से ज़्यादा होगा। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको आल और नन का एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल समझ आ गया होगा। ठीक है, आल और नन को हम एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल दोनों फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आल और नन अनकाउंटेबल नाउंस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो वहाँ पे वो एज ए सिंगुलर इस्तेमाल हो रहे हैं, और अगर वो काउंटेबल नाउंस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं तो वहाँ पे वो एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, जिस तरह आपने अभी देखा आल जो है वो ज़्यादा में से ज़्यादा, मैनी आउट ऑफ मैनी, मतलब सारों में से सारे या पूरे में से पूरा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और नन का जो इस्तेमाल है हम ज़्यादा में से कोई भी नहीं, ज़्यादा में से कोई भी नहीं, मतलब ज़ीरो आउट ऑफ मैनी दिखाने के लिए करते हैं। और ठीक है, जिस तरह मैंने बताया अगर हम प्रोनाउंस के बाद जो ऑफ और ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको हम रिमूव करेंगे तो ये एज ए इनडेफिनेट प्रोनाउन फंक्शन करेंगे। अगर ठीक है, इन्हीं प्रोनाउंस के साथ अगर हम ऑफ और जो ऑफ के बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव नाउन हमारे आ रहे हैं, प्लूरल और सिंगुलर आ रहे हैं, यहाँ पे अनकाउंटेबल आ रहे हैं, अगर उनका हम इस्तेमाल करेंगे तो वो फंक्शन करेंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आल और नन का एज ए डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन इस्तेमाल समझ आ गया होगा। डियर गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक हमारा वीडियो पहुंच सके। डियर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलें मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पे होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।